हम लोग यहाँ पे क्यों आए? हमें तो अरमान को किसी सेफ जगह ले जाना है। माँ की चाबी ले आओ, घर के अंदर। तुम बाहर उतर के वेट करो, मैं भी लेकर आता हूँ। रणविजय कहाँ जा रहा है इतनी रात को? बेबे दिमाग दाना दही वहां पड़ा है, और तुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। इससे पहले कि वो लड़की की शक्ल देखनी पड़े, थोड़ा टेंशन फ्री होना चाहता हूँ। आता हूँ, खाना खा लेना। रणविजय अरमान को जहां भी रखा होगा वो उसके पीछे जाएगा जरूर। गाड़ी मैं ले जा रहा हूँ। जी सर। ठीक है। अरमान के लिए आसमां चल रही है नई चाल, क्या हो चुकी है आरवी और आसमां की सगाई? शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आसमां है वो आरवी के फंक्शन में पहुंच जाती है और ये दावा करती है कि रणविजय और मेरी तो ऑलरेडी हो चुकी है शादी। यहाँ पर जब उसकी सगाई में पहुंचती है तो एक आदमी को ये भी कहती है कि ये लो पैसे और यहाँ पर ना तुम्हें पेन ड्राइव प्ले कर देनी है जहां पर झूठी शादी दिखाई जाएगी। मंदिर में हो रही शादी के बाद देखने के बाद हर किसी का रिएक्शन क्या होगा ये कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं। लेकिन जब आसमां स्टेज पर जाकर ये दावा करती है कि आरवी और मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है तो यहाँ पर आरवी का रिश्ता तो टूटता ही है, साथ ही साथ आरवी ये सोचता है कि ये आखिरकार ऐसा हुआ कब, ये ऐसा क्यों कर रही है। वेल हम सभी जानते हैं कि ये आसमां झूठ बोल रही है और आसमां का ये रचा रचाया प्लान है ताकि वो अरमान तक पहुंच सके। जी हाँ, अरमान को धक्का दे दिया था आरवी ने, जिसके बाद एक वीडियो भी आसमां ने देखा था, लेकिन इसके बावजूद भी आरवी का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। अब ऐसे में आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं बड़ा ट्विस्ट, जहां पर आसमां ने ये नई चाल चली है। इसका अंजाम क्या होगा ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप बताइए अपनी राय और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।